रचनात्मक आकलन का सबसे पहला अंश है पुस्तक पठन प्रतिक्रिया। पुस्तक पठन प्रतिक्रिया के अंतर्गत बालकों को कहानी के पुस्तकों में से एक कहानी या बाल साहित्य या समाचार पत्र के किसी अंश को पढ़ने के लिए कहना चाहिए और पढ़ने के पश्चात बालक से पठित अंश पर लिखित प्रतिक्रिया प्रतिवेदन के रूप में करवानी चाहिए। कक्षा में इसका प्रस्तुतीकरण होना चाहिए और इसके लिए 5 अंक निर्धारित है। पुस्तक पठन प्रतिक्रिया 6वीं कक्षा के लिए अलग, 7वीं कक्षा के लिए अलग और 8वीं से 10वीं कक्षा तक अलग रूप से की जाती है। उसके बारे में हम अब जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, 6वीं कक्षा के लिए। 6वीं कक्षा के लिए इस अंश का आयोजन सिर्फ मौखिक रूप से ही करवाना चाहिए। तो मौखिक रूप से कैसे करवाने चाहिए? छात्रों को कुछ चित्र दिखाकर उन पर बातचीत करवानी चाहिए और कक्षा कक्ष में उनके द्वारा किए गए मौखिक क्रियाकलापों के आधार पर उन्हें अंक देने चाहिए। 7वीं कक्षा के लिए पुस्तक पठन प्रतिक्रिया अंश के अंतर्गत बाल कहानियाँ पढ़वानी चाहिए और उन कहानियों को पढ़वाकर छात्रों को कहानी लिखने के लिए कहना चाहिए। कहानी पढ़ने पर और लिखने पर उन्हें अंक देना चाहिए। 8वीं से 10वीं कक्षाओं के लिए पुस्तक पठन प्रतिक्रिया अंश का आयोजन का प्रारूप स्क्रीन पर है। पुस्तकों के पठन के पश्चात उनके मनपसंद अंश की समीक्षा एक निश्चित प्रारूप में करवाई जाए, जैसे पढ़ी हुई पुस्तक का विवरण, उद्देश्य, पढ़े हुए अंश या कहानी का संक्षिप्त विवरण, समीक्षा, निष्कर्ष या सीख, मौखिक प्रस्तुतीकरण। पुस्तक पठन प्रतिक्रिया में 5 अंश है। पहला अंश है पढ़ी हुई पुस्तक का विवरण। पढ़ी हुई पुस्तक का विवरण के अंतर्गत पुस्तक का नाम लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, कहानी का नाम लिखना है, विषय यानी कहानी का मुख्य विषय क्या है यहाँ लिखना है। दूसरा, कहानी का उद्देश्य। कहानियाँ अलग अलग होते हैं, जैसे नीति परक कहानियाँ, मनोरंजन कहानियाँ, इस तरह अलग अलग कहानियाँ होते हैं। उस कहानी का उद्देश्य यहाँ पर 1 या 2 शब्दों में लिखना है। तीसरा, पढ़े हुए अंश का विवरण समीक्षा लेखन यहाँ पर लिखना होगा। और चौथा, निष्कर्ष या सीख यानी इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा, इसकी जानकारी यहाँ पर देना है। और पांचवा, प्रस्तुतीकरण। प्रस्तुतीकरण कक्षा में ही मौखिक रूप से होना चाहिए। इस तरह छात्रों से पुस्तक पठन प्रतिक्रिया करवानी चाहिए और अंक देने चाहिए। पुस्तक पठन के लिए 5 अंक निर्धारित है। इन 5 अंकों का विभाजन स्क्रीन पर है। पुस्तक का विवरण लिखने पर 1 अंक, पढ़े हुए अंश का विवरण, समीक्षा लेखन और निष्कर्ष लिखने पर 2 अंक, उपर्युक्त अंशों के मौखिक प्रस्तुतीकरण पर 2 अंक, कुल 5 अंक विभाजन करके देने चाहिए।